डॉक्टर डॉक्टर सुमन गुप्ता सर ने बताया काफ़ी डिटेल में, बहुत अच्छा प्रयास है। और इस तरह से अगर बीमारियाँ बढ़ती हैं तो उनके इलाज के लिए रिसेंट टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं, रिसेंट टेक्निक विद रिसेंट एंड अपडेटेड डॉक्टर्स के साथ। तो मेट्रो अस्पताल सदैव ही आपकी सेवा भी उपलब्ध है। इस समय 750 बेडेड अस्पताल फरीदाबाद में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, सभी बीमारियाँ अंडर वन रूफ आपको हम प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी बीमारी के लिए इलाज के लिए यहाँ पे आइए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारे डॉक्टर्स आपके साथ हैं, मैनेजमेंट का पूरा सहयोग है। किसी भी तरह के इश्यूज हो या आपके कोई नोट टू हो, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमें फ़ोन करें, इट विल बी टेकन केयर ऑन प्रायोरिटी। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, मीडिया का बहुत बहुत सहयोग रहता है हम सबको। तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज आप सभी के, थैंक यू मैडम। इस इलाज में खर्च कितना आया, जो है खर्च कितना आया जो भी है एक बार बताते हैं, और पेशेंट से भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बात करें। देख सकते हैं मेट्रो अस्पताल फरीदाबाद, टोटल हमारा जो मेडिक्लेम था वो अराउंड 5 लाख का है, 5 लाख का, 5 लाख, जिसमें 426 हमें मिला है, 426 सेंक्शन हुआ है, और टोटल हमारे एक्सपेंसेस 750 के आसपास आ चुका है। ठीक, 750 टोटल आ चुका तक, अभी रेडिएशन का भी मौका बाकी है वो देखा। सर ये देखा जाता है कि इलाज के बाद जो परेशानी है वो भर जाती है, फिर किस तरह की परेशानी हो जाती है डाइट में, तो कितने समय बाद इनको लग रहा है कि परेशानी आ जाएगी, किस तरह की इन्हें सावधानियाँ बरतनी है वो? देखिए, ये सबसे बड़ी एक भ्रांति है कि कैंसर के इलाज में हमेशा परेशानियाँ आती हैं। ठीक है, हम लोग बहुत सारी भ्रांतियों को लेके चलते हैं। एक भ्रांति है कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाता है, दूसरी चीनी खाने से कैंसर फैल जाता है, तो इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ। हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हमें ना ऑन्कोलॉजी पे इलाज होता है, हमारे साथ मीडिया है, हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पेशेंट की फैमिली है। मतलब इंडिया में जो सबसे कम जरूरत है या सबसे ज़्यादा जरूरत है उन्हें कैंसर एडवोकेसी की। हमें ये समझना है कि आज ये मरीज 3 या 6 महीने बाद जब ये कैंसर फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद ये नॉर्मल मरीज हैं, इनको कृपया करके मरीज की कैटेगरी में ना रखें। तो इस तरह की बातें हमें हमारे होगी ही नहीं कि किसी को बाद में दिक्कत आएगी। जो दिक्कत आती है पहले 2 महीने या 2.5 महीने में इलाज खत्म होने के बाद आती है, उसके बाद मरीज का लाइफ स्टाइल नॉर्मल हो जाएगा और मरीज की जगह हम उसे ना लीडर बोलते हैं, सर्वाइवर बोलते हैं, विनर बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार हम एज मीडिया पर्सन, एज हॉस्पिटल, हमें एक बार इनकी हिम्मत अफजाई के लिए ताली बजानी चाहिए। जब ऑफिसेज में या फिर हम डिस्पोजल्स के जो प्लास्टिक वाले कप होते हैं उसमें चाय पीते हैं लोग, और अक्सर दिन में 4 से 5 बार लोग पी रहे हैं, उससे कैंसर फैलने के चांसेस हैं, क्योंकि कई मैसेज ऐसे वायरल होते हैं कि उससे होते हैं। कई दिनों से मैं भी इस चीज को लेकर कई जगह समझा चुका हूँ, हम जो कागज का कप लेते हैं, जो हम हर चाय की दुकान पे पीते हैं, हमें लगता है ट्रांसपेरेंट छोड़ो, नॉर्मल पेपर कप जिसे हम बोलते हैं, क्या आपको पता है वो नॉर्मल पेपर कप नहीं है, वो अंदर से प्लास्टिक कोटेड है। और प्लास्टिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक एक्सट्रीम हीट में लीच कर जाता है। तो ये जो इस तरह के हमें कप दिखते हैं, अगर आप इन्हें अंदर से छूएं तो ये कागज नहीं है, इनके अंदर प्लास्टिक लगी हुई है, ये लहर है। केवल पानी में ही यूज होने चाहिए, कोई भी एक्सट्रीम हीट इसमें नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आजकल आप देखेंगे अच्छे कैफेज में या हॉस्पिटल में जो कॉफी या गर्म पदार्थ होते हैं वो हार्ड कप्स में देने शुरू करें, जो कोरोगेटेड रबर उसके होते हैं। तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इस पे कुछ फाइन करे तब ये जाकर के बंद हो या कुछ ऐसा? अब आप कराओगे क्यों सर? आप इसे जहर बता रहे हैं और जहर खुलेआम बिक रहा है पूरे देश में, जो है सिंगल यूज प्लास्टिक कभी भी यूज नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक लीच होती है एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, 60-70 डिग्री के ऊपर प्लास्टिक लीच होती है। तो मुझे कई बार लगता है कि हमें बैन कराने से ज्यादा खुद सबको समझाना जरूरी है। अगर मेरे को कोई ऑफर करे तो मैं मना कर सकूं, तो हर नहीं मानते, मैंने कोशिश की थी वहाँ आप तो छोड़ते हैं। हम जितने लोग बैठे हम लोग प्रण करते हैं कि हम इन्हें नहीं यूज करेंगे। इसी तरह से अवेयरनेस बढ़ाना मीडिया का सबसे अच्छा काम है, और मीडिया के साथ दुनिया जुड़ी हुई है, तो इस पे अगर हम श्रृंखलाएं करते हैं, इस पे हम टॉपिक्स करते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा फेसबुक को लेके लोग क्या क्या छोड़ देते हैं, फेसबुक को लेके लोग टीवी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर इसी तरह सोशल मीडिया अवेयरनेस हम बढ़ाते हैं तो हम ये भी छुड़वा देंगे। सर
देखिए कैंसर क्या है, कैंसर 200-300 अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, कैंसर एक बीमारी नहीं है। मोटे तौर पे जो कॉमन कैंसर है, मुंह में कोई छाला जो ठीक ना हो रहा, स्त्रियों में स्तन में कोई गांठ या चेंज ऑफ टेक्सचर, उसी तरह कोई खांसी जो दवाइयों के बाद ठीक ना हो रही हो, कोई एसिडिटी जो एक दो महीने से लंबी चल रही हो दवाइयों के बाद भी ना ठीक हो रही हो, कोई मूल या वॉर्ड जो मस्से होते हैं वो बड़े हो जाने हैं एकदम किसी भी छेद से शरीर में, चाहे रेक्टम हो या यूरिनरी का हो या मुंह से खून आना, ये सारे कैंसर के वार्निंग साइंस हैं। वार्निंग साइंस का ये मतलब ये 100% कैंसर है, बट दीज आर वार्निंग साइंस के लेस देन 1% चांस है कैंसर होगा, बट यू शुड विजिट योर डॉक्टर। चाहे आप अपने जनरल फिजिशियन को दिखाएं या किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो आपकी चॉइस है, बट दीज आर जस्ट अलार्म बेल्स कि हमें डॉक्टर को दिखाना है।